मूवी स्टार्ट होती है एक रिहैब में, जहां हम देखते हैं डार्बी को जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी। वो अलग अलग सेंटर्स में जाकर 7 बार ट्राई कर चुकी है, लेकिन वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसीलिए वो इस रिहैब सेंटर पे भी विश्वास नहीं करती थी। उसे तो यहां मजबूरी में आना पड़ा। सेशन के बीच में डार्बी के लिए फोन आता है और वहां का वर्कर माइक उसे लेकर जाता है। फोन पर उसको बताया जाता है कि तुम्हारी माँ की हालत खराब है, फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके बचने के चांसेस भी काफी कम है। तुम्हें जल्दी से अपनी बहन डेवन को कॉल करना चाहिए। नंबर देकर वो इंसान कॉल कट कर देता है। डार्बी उस नंबर पर कॉल लगाना चाहती थी, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ था, इसीलिए माइक उसे फोन नहीं लगाने देता। वो कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने मना किया है। इस पर डार्बी उसे सब कुछ बता देती है, फिर भी वो नहीं मानता। तो परमिशन लेने के लिए डार्बी डॉक्टर को फोन लगाने के लिए कहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर भी फोन नहीं उठाता। अब माँ की हालत जानना भी जरूरी था, इसीलिए डार्बी रात में जेड नाम की लड़की के पास जाती है, क्योंकि जेड के पास एक फोन था। वो अपनी बहन को कॉल करती है ताकि उसकी बहन यहाँ पर बात करके कुछ दिनों के लिए उसे ब्रेक दिला दे, ताकि वो अपनी माँ से मिल पाए। लेकिन उसकी बहन इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि डार्बी एक बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट थी और उसे बाहर निकालना गलत होता। डेवन कहती है कि वो पहले ही मॉम की वजह से काफी ज्यादा परेशान है और वो अपनी परेशानी को और नहीं बढ़ाना चाहती। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर भी डार्बी का कोई काम नहीं बनता, इसीलिए अब उसे गलत तरीका अपनाना पड़ेगा। अब रात में कुछ टूल्स इकट्ठा करके वो चोरी छुपे बाहर निकल जाती है। बाहर आके वो एक कार चुराती है और वो कार माइक की थी। उस कार में उसे कुछ ड्रग्स भी मिलता है, मतलब माइक खुद भी ड्रग्स लेता था, यानी कि एक ड्रग एडिक्ट दूसरे की एडिक्शन छुड़वा रहा था। आयरनी देख रहे हो। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से डार्बी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही वेदर बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच उसे डेवन का मैसेज आता है और वो उसे वहाँ आने के लिए मना कर रही थी। अब यहाँ पर डार्बी को इस बात से काफी दुख होता है और वो दुख मिटाने के लिए थोड़ा ड्रग्स यूज करना चाह रही थी, लेकिन ड्रग्स लेने से पहले ही वो सो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद एक पुलिस वाला उसे आकर जगाता है, क्योंकि तूफान काफी तेज हो गया था। वो जल्दी से ड्रग्स छुपाकर उससे बात करती है। तब वो बताता है कि आगे रास्ता बंद है, वो आगे नहीं जा सकती। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो वापस चली जाए या फिर आगे एक वेटिंग सेंटर है, तूफान रुकने तक वो वहाँ पर जाकर वेट कर सकती है। अब वापस तो वो जा नहीं सकती थी, इसीलिए वो वेटिंग सेंटर पहुँच जाती है। यहाँ पर एक जीप और एक वैन पहले से मौजूद थी। अंदर उसे एक कपल मिलता है जिसका नाम एड और सैंडी होता है। एक सोया हुआ लड़का था जिसका नाम एस था और दूसरा लड़का लार्स था। एड और सैंडी काफी फ्रेंडली थे। लार्स थोड़ा अजीब था, बाकी एस तो आराम से सो रहा था, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं थी। वहाँ पहुँचते ही डार्बी सबसे पहले बाथरूम में जाती है, क्योंकि उसका एडिक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन वो किसी तरह से खुद को रोक लेती है। वो अपनी बहन को फोन करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। तब एड उसे बताता है कि बाहर एक जगह पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सिग्नल आ रहा है। ये सुनकर वो सिग्नल ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और वो इधर उधर भटक ही रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज को फॉलो करते हुए वो एक वैन तक पहुंच जाती है। वैन की खिड़की से बर्फ हटाकर वो अंदर चेक करती है, तो अंदर झांकते ही वो बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है, क्योंकि वैन में एक छोटी बच्ची कैद थी जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, साथ ही उसका मुंह भी टेप से बंद किया हुआ था। डार्बी वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक थी। तब डार्बी उस वैन के नंबर प्लेट का फोटो ले लेती है। वो नंबर प्लेट नेवाडा की थी और जाहिर सी बात है कि उसका ओनर भी अंदर ही था, यानी कि किडनैपर अंदर ही बैठा था। अब डार्बी को बस ये पता लगाना था कि वो कौन है, क्योंकि वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकती थी और ना ही वो किसी पर भरोसा कर सकती थी। खैर, वो देखती है कि अंदर से कोई बाहर आ रहा है। उसे देखकर डार्बी फिर से सिग्नल ढूंढने का दिखावा करने लगती है। सिग्नल ढूंढते हुए वो अपनी कार में जाके बैठ जाती है, साथ ही सेफ्टी के लिए उसने एक हथियार भी छुपा लिया था। बाहर एड आया हुआ था जो कि खुद भी सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो डार्बी से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसकी बातों को टालते हुए चुपचाप से अंदर चली जाती है। अब वो अंदर तो आ गई थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी वैन पर लगा हुआ था, क्योंकि वैन में एक बीमार बच्ची थी जिसे अगर जल्दी से हेल्प नहीं मिली तो वो जल्द ही ठंड से मर जाएगी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, डार्बी की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। इतने में एस भी जाग जाता है और अब वो आपस में जान पहचान करने लगते हैं, लेकिन डार्बी का ध्यान अब भी सिर्फ उसी वैन पर था। साथ ही साथ वो शांत रहने की भी पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये गलत मूव घातक साबित हो सकता था। एड सबको पोकर खेलने के लिए कहता है, लेकिन पोकर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तब लार्स सबको एक नया गेम बताता है जिसका नाम था बुलशिट। खाली बैठे वो सभी बोर हो रहे थे, इसीलिए वो सभी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये गेम डार्बी के लिए एक सुनहरा मौका था। गेम का फायदा उठाकर वो हर एक से काफी सारी जानकारी निकलवा लेती है। हमें पता चलता है कि एड और डार्बी के फादर दोनों ही सोल्जर थे। फिलहाल डार्बी के डैड मर चुके थे और एड रिटायर हो चुका था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लार्स बैटल माउंटेन जा रहा था, जो कि नेवाडा में था, और आपको याद होगा कि उस वैन का नंबर प्लेट भी नेवाडा का था, यानी कि यही किडनैपर।
बीमार था और उसका बिहेवियर भी स्टार्टिंग से इस बात की गवाही दे रहा था। अब लार्स यहाँ पर बौखला गया था क्योंकि वो अपनी ही सजेस्ट की हुई गेम को हार गया था और उसे ये बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो सारे कार्ड्स को उठाकर फेंक देता है। इस बीच डार्बी बाथरूम में जाकर पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लगता, इसीलिए वो मैसेज करने का ट्राई करती है, लेकिन सेम रीजन की वजह से मैसेज भी अटक जाता है। लेकिन अब भी उसके पास एक प्लान था, वो वहाँ की दीवार फांदकर चोरी छुपे उस वैन तक पहुँच जाती है। वो अपने साथ एक कटर भी लाई थी जिसे यूज करके वो वैन का दरवाजा खोल लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्ची को फ्री कर पाती लार्स वहाँ पर पहुँच जाता है, जिस वजह से डार्बी को अंदर ही छुपना पड़ता है। लार्स वहाँ पर हीटर चालू करने आया था ताकि उस बच्ची को ठंड ना लगे, साथ ही साथ वो उस बच्ची को बताता है कि अंकल किम उसको काफी खुश रखेंगे। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये कोई फिरौती या किडनैपिंग का मामला नहीं था बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला था, यानी कि लार्स इस बच्ची को बेचने जा रहा था। वो तो रास्ते में तूफान आ गया इसीलिए मजबूरी में उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। अब लार्स उसके लिए स्नैक्स लेने वापस जाता है। इसी बीच डार्बी भी उस बच्ची को संभालती है। उस बच्ची का नाम जे था, साथ ही उसके हाथ पर एक बैंड भी लगा हुआ था जिसे हमें पता चलता है कि वो किसी बीमारी का शिकार थी। अब उन दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि लार्स स्नैक्स लेकर वापस आ रहा था। तब डार्बी जे को वो कटर देकर वहाँ से निकल जाती है। लार्स स्नैक्स लेकर वापस आता है। वैसे तो वो काफी बेवकूफ था लेकिन यहाँ उसने डार्बी के पैरों के निशान देख लिए थे जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि डार्बी वहीं से घूमकर अंदर पहुंची थी क्योंकि वो सामने से तो जा नहीं सकती थी। वो बाथरूम में पहुंची ही थी कि तभी दरवाजे पर एस आ जाता है। डार्बी एस को सच बताने ही वाली थी लेकिन तभी वहाँ पर लार्स आ जाता है। अब डार्बी थोड़ा दिमाग लगाकर लार्स को वापस बाहर भेज देती है और उसके जाते ही डार्बी एस को सब कुछ बता देती है और अब एस भी सब कुछ जान गया था। एस डार्बी को जे के पास जाने के लिए कहता है ताकि लार्स उसके पीछे जाए। इस बीच वो एड को सब कुछ बताकर उससे हेल्प ले आएगा। उसकी बात मानते हुए डार्बी वहाँ से निकल जाती है, साथ ही एस भी एक नेल गन लेकर निकल जाता है क्योंकि लार्स के पास एक गन थी। अब डार्बी वैन में जाकर जे को फ्री कर देती है और फ्री होते ही जे अपने किडनैपर्स के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर डार्बी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जे को किडनैप करने वाले एक नहीं बल्कि दो लोग थे, यानी कि दोस्तों एस भी लार्स का ही साथी था और वो दोनों ही गन लेकर वैन की तरफ आ रहे थे। ये दोनों भाई हैं और वो जे को लेकर अपने अंकल के पास जा रहे थे जो उसे आगे सप्लाई कर देगा। डार्बी ने गलत आदमी पर विश्वास करके सारी बात शेयर कर दी थी। खैर टाइम रहते ही डार्बी वहाँ से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है और वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। वहाँ से घूमकर डार्बी वापस उसी रास्ते से अंदर आ जाती है ताकि वो एड को सब कुछ बता सके, लेकिन वो एड तक पहुँच पाती उससे पहले ही एस उस तक पहुँच जाता है। यहाँ उनके बीच काफी बातें होती हैं और हम काफी कुछ जान पाते हैं। जे का फादर काफी अमीर आदमी था, वो जे के बदले उससे पैसों की मांग करेंगे और पैसा मिलते ही वो जे को वापस छोड़ देंगे। हालांकि हम जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन डार्बी ये बात नहीं जानती थी। जे को एडोलिन नाम की एक बीमारी थी जिस वजह से किसी भी तरह का एक्साइटमेंट उसकी जान ले सकता था। यहाँ एस डार्बी के सारे मैसेज चेक कर लेता है और जो मैसेज उसने पुलिस को भेजा था वो भी डिलीट कर देता है। उसे पता चल जाता है कि डार्बी की उसकी फैमिली से नहीं बनती। वो उसकी वजह पूछता है तो वो उसे अपने एडिक्शन के बारे में बताती है और यहाँ पर दोस्तों हम उसके एडिक्शन के बारे में भी जान पाते हैं। दरअसल डार्बी के डैड ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था जिसके गम में वो ड्रग्स लेने लगी और धीरे धीरे वो उसका एडिक्शन बन गई। अब वो डार्बी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है वरना वो सबको मार देगा। अब डार्बी को यहाँ उसका पपेट बनकर रहना होगा। इसी बीच सैंडी भी वहाँ पहुँच जाती है जो डार्बी को अकेले में ले जाकर बात करने लगती है, लेकिन डार्बी सैंडी को कुछ भी नहीं बताती। अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिखाते हुए सभी लोग साथ बैठ जाते हैं। एड डार्बी को अपने डैड की कुछ स्टोरीज बताने के लिए कहता है। डार्बी तो यहाँ कुछ नहीं बोलती लेकिन एस वो सुसाइड वाली कहानी सबको सुना देता है जिससे एड काफी गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक जे अपने आप को फ्री करके वैन से बाहर आ गई और वो सीधा जंगल की तरफ भाग जाती है। यहाँ अंदर खलबली मच गई थी क्योंकि एस और लार्स ने भी जे को भागते हुए देख लिया था। लार्स बिना कुछ बोले ही जे को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर डार्बी बाथरूम में चली जाती है और एस उसका पीछा करते हुए बाथरूम तक आ जाता है, लेकिन एस के अंदर आते ही डार्बी उस पर अटैक कर देती है। फिर भी वो उस पर काबू नहीं कर पाती, लेकिन इस लड़ाई के बीच एस के वैन की चाबी डार्बी को मिल जाती है। लार्स आकर उसे बताता है कि जे हाइक पर भाग चुकी है और उन्हें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। वो दोनों जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं जहां वो डार्बी के जरिए जे को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डार्बी उन्हें यहां भी चकमा देकर भाग जाती है। तब एस गोली चला देता है जिसकी आवाज एड ने भी सुन ली थी और अब तो उसे भी कंफर्म हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो उसे बाहर जे मिलती है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। एड जल्दी से उठाकर उसे अंदर लाता है और सैंडी उसे चेक करती है क्योंकि वो एक नर्स थी। इतने में डार्बी भी उन्हें चकमा देकर वापस शेल्टर में आ जाती है और वो उन दोनों को सब कुछ बता देती है। खैर वो दोनों भी वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन एड धमकी देकर उन दोनों को
बाहर ही रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी अंदर आया तो मैं एक झटके में उसे शूट कर दूंगा। हालांकि उसके पास कोई भी गन नहीं थी, लेकिन धमकी सुनकर वो दोनों बाहर ही छुप जाते हैं। इधर एस अंदर जाने की तरकीब सोच रहा था, तब लार्स उससे बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर जे को उसकी मेडिसिन नहीं मिली तो वो जल्दी ही मर जाएगी। अब एस उन लोगों को जे की मेडिसिन के बदले ब्लैकमेल करने लगता है। वो उनसे कहता है कि तुम जे को अपने पास रखो और वो मर जाएगी, या फिर उसे हमारे हवाले कर दो और हम उसे मेडिसिन देकर यहाँ से ले जाएंगे। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एड उल्टा उसी के सामने एक डील रख देता है। वो कहता है कि तुम हमें मेडिसिन दो, बदले में हम तुम्हारी वैन की चाबी दे देंगे। ये सुनकर एस को शॉक लग गया था, क्योंकि बिना वैन के तो वो वहाँ से वापस नहीं निकल सकते थे। तब वो दोनों वापस वैन तक जाते हैं और एक गैस कैन उठा कर ले आते हैं, क्योंकि अब वो उस पूरे हॉल को जलाने वाले थे। एड जानता था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उस बच्ची की नीड थी, लेकिन डार्बी और सैंडी को ऐसा नहीं लग रहा था। तब एड डार्बी को अपनी कार की चाबी देकर उसे दोनों चाबियां छुपाने के लिए कहता है, और डार्बी पीछे जाकर दोनों चाबियां छुपा देती है। यहां वो दोनों पूरे सेंटर पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देते हैं। वो एड को कहते हैं कि एक स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान देना बेवकूफी है। तब एड उससे कहता है कि मैं एक फौजी हूं और यही तो मेरा काम है। एड तो यहां हार नहीं मानता, इसीलिए एश सैंडी को टारगेट करता है, और सैंडी भी उनके बातों में फंस रही थी। फिलहाल वो तीनों हथियार लेकर उनका वेट कर रहे थे। एड और डार्बी के पास टूल थी और सैंडी के पास पेपर स्प्रे, और इसी बीच जे भी जाग जाती है। और यहाँ पर दोस्तों एक काफी बड़ा खुलासा होता है। जे जागते ही सैंडी को देखकर उसे मिसेस लाउरी कह के बुलाती है, क्योंकि वो सैंडी को जानती थी, क्योंकि सैंडी उसके घर की मेड थी। जी हाँ दोस्तों, सैंडी ने किडनैपिंग में उन दोनों की हेल्प भी की थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये दोनों जेन को बेचने वाले हैं। उसे लग रहा था कि वो दोनों फिरौती मांगेंगे। असल में पूरा मामला ये है कि ये दोनों जे को लेकर जा रहे थे, तभी अचानक से तूफान आ जाता है, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ता है। लेकिन उन दोनों को जे की मेडिसिन नहीं मिल रही थी, इसीलिए सैंडी मेडिसिन देने यहाँ पर आई थी। और एड को लग रहा था कि ये एक सरप्राइज ट्रिप है। एड एक रिटायर्ड फौजी है और फिलहाल उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। सैंडी भी एक मेड का काम करती थी, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जिंदगी बिताने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए सैंडी ने ये गलत रास्ता चुन लिया था। अब इधर काउंटडाउन खत्म हो गया था, तब इस बीच सैंडी चिल्लाकर उन्हें बता देती है कि एड के पास कोई भी गन नहीं है। साथ ही साथ वो डार्बी की आंखों में स्प्रे डाल देती है, जिससे उसे काफी पेन होता है, और इसका फायदा उठाकर वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। सैंडी उनसे मेडिसिन लेकर जे की जान बचा लेती है। तब डार्बी सैंडी को बताती है कि ये लोग किडनैपिंग नहीं बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं। जे कभी भी अपने पेरेंट्स तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये बात सुनकर सैंडी को थोड़ा गिल्ट होता है, लेकिन बस नाम का। वो उन्हें कहती है कि जे को लेकर चले जाओ। इस एड से वैन की चाबी मांगता है, लेकिन चाबी एड के पास नहीं थी। सैंडी उन्हें बताती है कि डार्बी ने चाबी छुपा दी है। तब एस डार्बी से चाबी के बारे में पूछता है, लेकिन एड उसे बताने से मना करने लगता है। इन बातों से एस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसीलिए उसने बिना सोचे ही एड को शूट कर दिया। ये देखकर सैंडी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो पागलों की तरह एस पर हमला करने लगती है। बदले में एस सैंडी को भी शूट कर देता है और एक ही झटके में वो दोनों ही मारे जाते हैं। इधर लार्स की आंखों में काफी जलन हो रही थी, क्योंकि डार्बी ने उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया था, इसीलिए उन्हें धोने के लिए वो दोनों ही बाथरूम में जाते हैं। लेकिन जाने से पहले एस डार्बी के हाथों में कील घुसाकर उसे बांध देता है। डार्बी निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। वो पास रखे हैमर को उठाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब वो जे से हेल्प मांगती है और जे उसे हैमर दे देती है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को फ्री कर पाती, वो दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आकर एस डार्बी से चाबी मांगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी डार्बी के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर एस उसे कहता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। साथ ही साथ एक और मैसेज आता है कि पुलिस उस एरिया के लिए निकल चुकी है। यानी कि दोस्तों, डार्बी ने जो मैसेज किया था वो मैसेज पुलिस तक डिलीवर हो चुका था। अब तो एस पूरी तरह से पागल हो जाता है और काफी सख्ती से उसे चाबी मांगता है, लेकिन डार्बी कुछ नहीं बोलती। इसीलिए एस इस बार जे को यूज करता है। वो उसके हाथों में किल घुसाने वाला था, तब ना चाहते हुए भी डार्बी को उन्हें चाबी के बारे में बताना पड़ता है। एस लार्स को गन देकर कहता है कि अगर उनमें से किसी ने भी होशियारी दिखाई तो उसे शूट कर देना। ये कहकर वो चाबियां ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन डार्बी जानती थी कि जे उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो वो उसे शूट नहीं करेंगे। इसीलिए वो जे को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है, और जे भी ऐसा ही करती है। लार्स उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच डार्बी वो ड्रग्स लेकर उस हैमर की मदद से फ्री हो जाती है, और जैसे ही लार्स लाइट ऑन करता है, डार्बी उस पर अटैक कर देती है। इधर एस चाबियां लेकर वापस आती है और आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उन्होंने लार्स को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब एस लार्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी जे उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से नेल गन चल जाती है और वो सीधा लार्स के सर में जाकर लगती है। अब यहां
यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। एस का ध्यान उन दोनों से हटकर सीधा लार्स पर चला जाता है। इसी बीच वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एस लार्स को वैन तक लेकर जा रहा था, तभी लार्स एड के खून पर फिसल जाता है और वो सीधा सर की तरफ गिरता है, जिस वजह से वो कील पूरी तरह से उसके सर में घुस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एड ने मरने के बाद भी अपना काम पूरा कर दिया था, आफ्टर ऑल वो एक सोल्जर था और वो कहते हैं ना, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। अब एस बिल्कुल टूट गया था, अब ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही जे। इधर डार्बी और जे कार से वहां से निकल रहे थे, तभी एस नेलगन से उनकी टायर को पंचर कर देता है, इससे उनकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद वो पूरे केबिन में आग लगा देता है ताकि कोई सबूत बचे ही ना। लेकिन इतने में ही वहां पर पुलिस आ जाती है। अब एस पुलिस के सामने नाटक करने लगता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और उसे हेल्प की जरूरत है। ऑफिसर उसे गाड़ी से दूर हटने को कहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास नेलगन थी वो उसकी बात नहीं मान रहा था। इतने में डार्बी एस के कंधे में गोली मार देती है। डार्बी उसे पूरा खत्म करना चाहती थी, लेकिन ऑफिसर उसे गन ड्रॉप करने के लिए कहता है। वो उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए ऑफिसर उसके पेट में गोली मार देता है और डार्बी वहीं पर गिर जाती है। डार्बी के गिरते ही एस उसकी गन उठाकर ऑफिसर को शूट कर देता है, साथ ही नेलगन की पूरी कील ऑफिसर के ऊपर शूट कर देता है। अब वो डार्बी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डार्बी भी पहले से तैयार थी। वो स्क्रू ड्राइवर एस के गले के आर पार घुसा देती है, जिससे एस की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और यहाँ फाइनली उसने जे की जान बचा ली थी। अब डार्बी ऑफिसर का वॉकी टॉकी उठाकर अपने लिए हेल्प बुलाती है, लेकिन इसी बीच वो काफी जख्मी भी हो चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में और हम देख पाते हैं डार्बी को, जो जिंदा बच गई थी। फिलहाल वो उसी रिहैब में है और काफी अच्छे से रिकवर कर रही है। जे और डार्बी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, इनफैक्ट डार्बी जे के लिए एक हीरो बन गई थी। मूवी के लास्ट सीन में हम डार्बी की बहन को भी देखते हैं, जो डार्बी से मिलने के लिए आई हुई थी, यानी कि अब इन दोनों बहनों का भी मनमुटाव खत्म हो चुका था। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी की कहानी काफी अच्छी थी और इसमें कई सारे ट्विस्ट थे, कुछ तो ऐसे भी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों ये थी नो एग्जिट मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।